अस्सलाम वालेकुम खातिर हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्ब-ए- हाल। मैं हूं जिसका मेज़बान जुनैद सलीम, और नाज़रीन शो का आगाज़ कर रहे हैं शदीद सर्द मौसम में मौसीकी की धुनों से जज्बात को गरमाते हुए हमारे नामवर मौसीकार जी। हजूर सर, प्रोग्राम शुरू हो चुका है, बोलिए तो सही। इतना ठहर के बोलन गए, सर्दियाँ जी कट्ठे हो जाते हैं खास। की होया बाबा जी, कोई तुहाडे रास्ते नहीं चौके लै गया? खुदा ना खास्ता कोई नागहानी आफत तो नहीं आ गई? तिने खान साहब एक दूजे नु कह ही नहीं सकते कि मैं बाल कटाउन चले हां। एक्सक्यूज मी, बात तो कीजिए सर। जुनैद भैया, शुक्र, बात उससे की जाए जो बात को पा लेता है। सुभान अल्लाह, साहब जी क्या कहने, इंसान उसे क्या बात सुनाए जो लफ्जी खा लेता है। गल करन लगनी है, खरोट खेडन दे ने, टाना लान दी पोजीशन बन रहे ने। आज मैं हल करूं, इशारा करना है, बात पे आएंगे, अभी अभी देसी जुगत लगाएंगे। ये देखिएगा का ओए ऊठ दे, 15 दिन दे बच्चे बेटे, बात वही समझेंगे जो बात को समझ लेते हैं। सुभान अल्लाह। तो जुनैद भैया कहना ये चाह रहे हैं कि फनकार जो होता है वही होता है। हाय हाय, इतनी बड़ी बात, कमाल है यार, फनकार जो होता है वही होता है, बड़ी बात। ओए होए, बड़ी बात। देखे देखे जी जी, ये बात सिर्फ वो समझे, बाकी चले जाइए फिर ऐसे। तो पुत्र तो कूड़ को क्या पता है मैं क्या कह रहा हूँ। आप बाबा जी, मौसीकी का प्रोग्राम है, तुसी कोई मशारा है, पा लेता है, खा लेता है, पता नहीं। यार आप बात को समझने की तो कोशिश करें। अच्छा जी, फनकार जो होता है हाँ जी वही होता है, वही होता है। और जो फनकार होता है हाँ जी 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 जी, वो पूरी नस्ल में एक होता है। वो पूरे खानदान में एक होता है, माशाल्लाह माशाल्लाह, वो पूरे कबीले में एक होता है। वाह 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 वाह, बाकी खानदान के बंदे कत्ल हो गए ना। यार बस करें, बात का मजा लें यार, बात पाए की बात समझेगा जो बात पा लेता है। पा लेता बात, देखे ये कूड़ लोग हैं, इनको क्या पता कि बात कहाँ की कहाँ पहुंच चुकी है। बेटे बात ये है कि जो फिर फनकार होता है वो बड़ा एहसास होता है। सारा खानदान, सारा कबीला उस पे डिपेंडेंट हो जाता है। और फिर वो फनकार सिर्फ फन को ही नहीं, सारे कबीले को पालता है, माशाल्लाह। तो बेटे बात असल में ये है कि जो फनकार है उसका ना कभी बैलेंस होता है, ना उसके महलात होते हैं, ना ना उसकी कोई जायदाद होती है। उसकी जायदाद सिर्फ लोगों का प्यार होता है। उसके महलात करते रहे, हम खाना खाएं जल्दी से जाए। अगर आप इजाजत दें तो आइए जी, चलिए चलिए, बात जारी रखिए। देखिए सर्दी है बाहर, नहीं तो जहाँ पे बात कबूल ही नहीं है, आए आए वहाँ बात करना फजूल है। आप तशरीफ लाएं, आप तशरीफ लाएं, आप भी तो कमाल कर रहे हैं ना, आप अपने हीरे और आप गीने लेके लोहारों के बाजार में आ गए। देखिए देखिए, हमने ऐसे नहीं कहा था उस्ताद मोहतरम, हमने ऐसे नहीं कहा था कि लफ्ज यही समझते। क्या कह रहे बाबू जी, केड़े हीरे ते नगीने, ओ परले खान साहब जिदों दियां सर्दियां शुरू होईयां नहाते नहीं, बच्चे गर्म पानी करके अंदर रखदे ने गुसलखाने च, ते पी के बाहर आ जांदे। शोखिया मानो बिल्ली दी सरिंज, सुनो खान साहब की कह रहे ने, बल्कि की फरमा रहे ने। छोड़ दीजिए उस्ताद मोहतरम, ये तो कूड़ लोग ही। जुनैद भैया कहना हम ये जा रहे हैं कि जो फनकार है उसकी जायदाद, उसके चाहने वालों की मोहब्बत, उसके महल्लात, लोगों के दिल, वो लोगों के दिलों में रहता है। बहुत बड़ी बात की, बहुत नाइंसाफी हुई है हमारे साथ। क्या हो गया? क्या है? नैब का नोटिस आ गया उस्ताद मोहतरम को। नैब का नोटिस आ गया? किसी का बंडा खा गया? क्या मतलब? अभी आप हीरे फरमा रहे थे
हमें पूछिए हम क्यों रो रहे हैं। पूछो जी क्यों रो रहे हैं सर, इतने बड़े फनकार के साथ जो हुक्मरान इस तरह की ज्यादती करे उस मुल्क का चलना कितना मुश्किल हो जाता है, ये अंदाजा ही नहीं है इन लोगों को। जिस दौर में लुट जाए फकीरों की कुबाई, उस दौर के सुल्तान से कोई भूल हुई है। दुनिया नैब का नोटिस इसलिए आ गया कि आप इतने बड़े फनकार हैं। हमने एक दो दफा यहाँ बैठ के खुद ही बताया कि हम बहुत बड़े फनकार, आपने खुद ही बताया होगा। तो वो कहीं प्रोग्राम नैब वालों ने भी देख लिया तो उन्होंने कहा कि आप तो अपने मुंह से फरमा रहे थे कि आप इतने बड़े फनकार हैं, तो आपके बैंक बैलेंस में तो कुछ है नहीं, क्या मनी लॉन्ड्रिंग करते रहे? तो आपने तो अपने मुंह से कहा है कि आप बहुत बड़े फनकार हैं। तो हमने कहा कि कब आप कोई और ना गए तो खुद भी ना गए। बताइए आप बताइए, सारी जिंदगी खून दिया है फन को जी, और अगर वैसे माफ कीजिएगा खान साहब, यही सबसे बड़ी गलती की आप सारी जिंदगी फन को खून देते रहे। आप दो गाने दे देते ना तो शायद आप जिंदा रहते बड़े फनकार बन जाते। आप पकी लाई दे, पकी लाई दे। आप दो गाने दे देते खून देते रहे। गाना चंगा मी अस्पताल पे जिन खून देते रहे। मेरा ख्याल है कि इस तमस्कर के होते हुए हम एक सेकंड नहीं यहां बैठ सकते। सर बात तो सुनिए, नाराजगी अच्छी बात नहीं, आ जाइए वापस। बड़े खान जी रोस के जाते हो या उसे कोई नोट डिगया वेख लिया तुसी? नहीं नहीं ठीक है, आप तशरीफ ले जाए, बाहर नैब के सलीम शहजाद साहब खड़े हैं। वो दाढ़ी वाले? हाँ दाढ़ी वाले, वो तो किसी को छोड़ते भी नहीं। आ जाए। तो जुनेद मियां कहना ये जा रहे थे कि फनकार जो होता है वो सारा कबीला पालता है। जी जी। कभी नीस की शादी निकल आई, कभी भांजे को दुकान डाल के देनी पड़ गई, कभी कभी बहनोई बीमार हो गए, कभी बहन के घर की छत का बाला टूट गया। खान साहब वो बाला टूटने से नीचे बहनोई साहब जो आके फौत हो गए थे उसका जिक्र किया करें, आप 25 रुपए के बाले का ही जिक्र करते रहते। हादसा तो छत की वजह से हुआ। तो जुनेद भैया फनकार फिर दुख में पहुंचता है। जी हाँ, कोई पहुंचे ना पहुंचे, वन वन टू टू ना पहुंचे, फनकार पहुंचता है। ओए डांस करने वाले बकरे। डांस करने वाला बकरा कौन सा होता है बेटा? ये राजनपुर की तरह, उसे नाची बकरा कहते हैं। तो बताना ये जा रही है कि हमने कहा बैंक बैलेंस बना रहे हैं, हम तो फनकार लोग हैं। तो डर किस बात का, आप नैब में पेश हो जाके अपनी वजाहत दे दें। हुए है ना पेश, हुए। अच्छा पहले तो घर बैठ के डरते रहे कि सारी दुनिया में शोरोगोगा हो जाएगा, टेलीविजन पे चल जाएगा कि खान साहब बरादरान आज नैब में पकड़े गए, मगर हिम्मत करके गए कि वो घर ना पहुंच जाए, मोहल्ले में ना बेइज्जती हो जाए। तो जब पहुंचे तो आपको तो मालूम है वहां नैब के दफ्तर के बाहर 27-28 कैमरे हर वक्त बराजमान रहते हैं। तो ये तो अल्लाह का शुक्र है कि जब हम घुसने लगे तो वो कैमरे वालों ने शोर मचा दिया के ओ भाई ओ भाभी हो उसे हैडल हो इधर खान साहब ने आना है। अच्छा। तो फिर हम कैमरों के पीछे से आराम से अंदर घुस गए। तो उनको जहन में ये था कि खान साहब शायद लैंड क्रूजर पे आ रहे हैं या कोई BMW पे आ रहे हैं। तो हम तो पैदल। तो वहां ऑफिस में हुआ क्या? होना क्या था, जाके अंदर वो जो ऑफिसर साहब बैठे हुए थे तफ्तीश के लिए, उनको खान साहब ने बस इतना ही कहा है कि हम जल्दी में खौफ के मारे पर आ गए हैं, नाश्ता मंगवा लीजिए। अच्छा नैब वाले सबको वो चाय के साथ बिस्किट तो जरूर खिलाते हैं पहली पेशी। यही तो हुआ ना, उन्होंने चाय और बिस्किट मंगवा लिए तो खान साहब गुस्से में सादी चाय पीते रहे और बिस्कुट की प्लेट पकड़ के अपनी जेब में उंडेल ली। अच्छा वो ऑफिसर ने देख लिया तो उनको यकीन हो गया कि थे बहुत ही फुकरे थे।
ये बेचारे बिस्कुट भी जेब से पा रहे थे, तो उन्होंने फिर हमें बगैर इन्वेस्टिगेशन के छोड़ दिया। तो हमने यही बताया कि फनकार जो होता है वो होता है। वाह वाह वाह। और बड़ी मोहब्बत की उन्होंने हमारे साथ, फिर हमें ऊपर मंगवा के दी। और खान साहब एक तरीक भुगती है, तुसी ते इन्ने दुखी हुए हो हैं, ना खांदे ना पींदे ना तड़ियां अखां खुलन दियां। असी वेखो लोग फनकार अई कचहरियां ते थाणियां ते गाने बना छड़े। हां, इसलिए कि आप गाने से पहले क्रिमिनल थे। आप लोगों ने तो वैसे थाना के चेहरे भी हंस के गाया है। ओ क्यों नहीं जी, जट चढ़े कचहरे बल्ले बल्ले हो दी रानी मजा करी ओ बल्ले बल्ले ओ जट खड़ा था वाला ओ पंडित यार दे नाल ले मुठा पट के कुरी पा के थानेदार भजाया आपे करे थानेदारी बल्ले बल्ले हो दी रानी थानेदारी बल्ले बल्ले ओ जट चढ़े कचहरे ओ भाई ये आपका जो जाट है, हाँ जी, ये खेती बाड़ी के अलावा कोई अच्छा काम नहीं करता है। दुनिया में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। दोनों तरफ के इन लॉज को इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि हमारे प्यार की हद कहाँ पे खत्म होती है और हमारी मदाखलत की हद कहाँ से शुरू होती है। भाईजान, इससे पहले कि हम आज के मौजू की तरफ या लम्हा फिक्रिया की तरफ आए, आपसे एक कॉले जर्री है, उस पर आपकी राय तलब करना है। सुबह ही मैंने पढ़ा है कि अगर लड़का मुंह धो रहा हो तो इसका मतलब है कि उसने आज कहीं जाना है, और अगर लड़की मुंह धो रही हो तो इसका मतलब है उसने आज कहीं नहीं जाना। ये ठीक बात है, बहुत अच्छी बात है। जाहिर है लड़की जो है वो अपना जो 3-4 हजार रुपया धो देती है, तो इसका मतलब है कि उसने फिर कहाँ जाना है बेचारी ने। तो लड़का जब सिर सिरे उठता है, तुम कभी गोगे को सुतिया पे उठा हुआ देखो ना, अगर तो जिवें गड्डी नहीं पीछे वजी होंगी, उसकी एक पत्ती इधर अंदर हो जाती है और एक अगे हो जाती है, उस तरह का बेचारा हुआ होता है। जब तक मुंह न तो ये कहां जा सकता है। बहरहाल ये अकवाले यरीम बहुत अच्छा है एंड इट्स वेरी गुड। बहुत संजीदा एक लम्हा फिक्रिया है जी। ये पिछले हफ्ते मैंने ये एक उर्दू रोजनामा के साथ जो संडे मैगजीन आता है उसमें एक सर्वे रिपोर्ट देख रहा था, ये इज़दवाजी ताल्लुकात के हवाले से, खानदानी मसाइल के हवाले से जी। उसमें यार लिखा हुआ है कि पंजाब के 8 बड़े शहरों में अपने जो नुमाइंदगान हैं उनके जरिए ये सर्वे मुरतब करवाया है जी। जो नतीजा सामने आया वो ये है कि मियां बीवी के दरमियान जो झगड़े और अलैदगी है उसके 42% वाकयात ऐसे हैं जिसके पीछे जो है वो दोनों तरफ से ससुराल वाले जो है वो होते हैं, यानी ससुराल की जो नाजायज मुदाखलत है वो मियां बीवी के ताल्लुकात में जो है वो दरार पैदा कर रही है। अब हम अक्सर बात करते हैं कि हमारे माशरे का एक ये जॉइंट फैमिली सिस्टम या खानदानों का एक दूसरे के साथ जुड़ के रहना, ये हमारे माशरे की एक बड़ी ब्यूटी है, हुस्न है हमारे माशरे का। लेकिन इसमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि आपकी जो मदाखलत है, आपकी जो इंटरवेंशन है, वो प्यार की हद तक रहनी चाहिए, मदाखलत का रूप नहीं इख्तियार करना चाहिए। हर बात में मियाँ बीवी के मामले में टांग अड़ाना जायज नाजायज मामले वाली मुदाखलत, लूटी वाली जो लूटियां लगाने वाली मुदाखलत है वो तो बहुत ही बुरी है। और ये है वाकई, ये बड़ा अच्छा सर्वे है और ये ऐसे होता है। अक्सर मैंने ये देखा है कि बीवी अवॉइड कर रही होती है मगर पीछे से अम्मा और ही बोल के ना तो सत्यानाश कर रहा है। लड़कों या लड़का भी अवॉइड कर रहा होता है तो पीछे से माँ जी कह देती है कि तगड़ा हो, मर्दा ही ना जा बिल्कुल ही। अच्छा, इस सर्वे के मुताबिक 86% मियां बीवी का कहना है कि उनके फैसलों पर उनके ससुराल वाले किसी ना किसी अंदाज में असरअंदाज होते हैं, जबकि सिर्फ 10% लोग ऐसे हैं जिनका कहना है कि वो अपने फैसलों में मुकम्मल तौर पे आजाद है, और 4% ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। अब अंदाजा करो, अब बात फिर वहीं आ जाती है कि अगर तो एक दूसरे का ख्याल रखना है, जाहिर है कि ये रिश्ता बड़ा गहरा रिश्ता है माँ बाप का, और जाहिर है घर वालों का सारी उम्र जो है टूटना तो दूर की बात है, कमजोर भी नहीं पड़ता। लेकिन मेरा ख्याल है कि दोनों तरफ के इन लॉज को इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि
ہمارے پیار کی حد کہاں پہ ختم ہوتی ہے اور ہماری مداخلت کی حد کہاں سے شروع ہوتی ہے, ان کی پرائیویسی جو ہے وہ کہاں سے شروع ہوتی ہے, جس میں ایسے بہت سارے معاملات ہیں جس میں جو آپ کی دخل اندازی ہے وہ دخل اندازی سے پہلے ہی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ جو ہے یہ خرابی پہ منتج ہوگی, اس کا نتیجہ, اس مداخلت کا نتیجہ کبھی بھی مثبت انداز میں برآمد نہیں ہو سکتا. پتہ ہوتا ہے ہمیں, ایسی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں کہ ان کا آپس کا معاملہ ہے, خواہ ان کے میاں بیوی کا آپس کا ہو یا میاں بیوی اور بچوں کا ہو, لیکن اس گھر کا آپس کا معاملہ ہے تو, لیکن ہم اس بات کا خیال نہیں رکھتے. اور یہ جو آپ لوتی کہہ رہے ہو, لوتی سے پہلے کا مرحلہ یہ ہے کہ لوتی تب بندہ لگاتا ہے جب سو لیتا ہے. سو لینا پنجابی میں کہتے ہیں, یعنی خبر رکھنا, جاسوسی کرنا. آپ کو کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے کہ آج آپ کے بیٹے کے یا آپ کی بیٹی کے گھر میں کیا پکا ہوا ہے آج, مطلب ٹینڈے گوشت پکا تھا تو آپ کے داماد نے کتنے ٹینڈے کھائے. آپ بس کریں یار, وہ اگر الگ رہ رہے ہیں تو ان کو رہنے دیں, ان کو اپنے بنیادی فیصلے تو خود کر لینے دیں. یہ تم کہیں انڈائریکٹ کسی کو میسج تو نہیں دے رہے؟ میں کوئی ڈائریکٹ انڈائریکٹ نہیں کہہ رہا, فضول بات پوچھا. بات تمہاری بالکل ٹھیک ہے. اور یہ جو تم لوتی لگانے کی بات کر رہے ہو نا, میری بیگم الحمدللہ آج خود لوتی لگوانے کے لیے اپنے میکے گئی. کل کو ہاتھ مارا کرو یار, اتنے وہ اچھے لوگ ہیں بےچارے, شکر کو اللہ کا تمہیں برداشت کرتی ہے. سارا رگڑا دے کے تو بعد میں کہے تو اتنے اچھے لوگ ہیں. نہیں میں نے کبھی بھی ان کا مطلب, تم ہو لوتی, تم بہت بڑی لوتی ہو. اچھا ویسے میں ایمان سے ایک اور چیز کہوں, اپنی بیٹیوں کو, بہنوں کو, بچوں کو, بیٹوں کو ایک بات میں کہتا ہوں, ساری زندگی یہ باندھ لیں. میری اماں کہا کرتی تھی کہ اپنے پلے باندھ لیں, بہت بڑا نسخہ ہے, بہت بڑا نسخہ ہے. میں تو کوئی شادی ہو نا تو بچی کسی کے نزدیک ہونے کا موقع ملے, بیٹی کسی کے, تو میں اس بچی کو, بیٹی کو کان میں صرف ایک بات کہتا ہوں کہ پتر ایک چپ بالکل. اور جب سے یہ مصیبت آئی ہے نا, یہ چپ جو ہے یہ ناممکن ہو گئی. ہم اکثر اس بات کا پہلے بھی ذکر کرتے رہے ہیں کہ جب گھر والے جو ہے, پہلے ہم صرف بچی کے والدین کا ذکر کرتے تھے, تو لڑکے کے والدین کو کیوں ایگزمپٹ کیا جائے؟ جب اس موبائل کے ذریعے لڑکی کی ماں جو ہے دن میں 24 دفعہ لڑکی سے پوچھے گی کہ آج کیا ہوا, کیا پکایا, ہمارے داماد نے کیا کہا, پھر مطلب جب پوری کی پوری گائیڈ لائن جو ہے وہ آپ کی زندگی کی وہ کہیں اور سے آئے گی, تو آپ اپنا فیصلہ جو ہے, اچھا اب جب موبائل پہ رابطہ رہے گا تو آپ اپنے گھر والوں کو کبھی بھی صحیح صورتحال سے آگاہ کر نہیں سکتے. موبائل پہ ظاہر ہے کہ آپ کے گھر کا موڈ ہے, آپ کے گھر کا ماحول ہے, وہاں پتہ نہیں کس نے کیا بات کہی, کس نے کیا جواب دیا, اور وہاں جب آپ موبائل پہ بتا رہے ہیں انہوں نے کیا کنسیو کیا, وہ اپنی مطلب سمجھ کی روشنی میں. اور آپ کے پاس کو بیٹھے ہوئے ہیں, آپ موبائل پہ کوئی اور طریقے سے بتا رہے ہیں, کوشش کر رہے ہو کہ وہ اگلا سمجھ بھی جائے, اور گل بھی تم گول سی کر رہے ہو. یار سیدھی سیدھی بات ہے, بتا جو دیا ہے, ایک چپ تے سو سکھ. چھوٹے چھوٹے مسائل بہنوں بھائیوں میں بھی ہوتے ہیں, والدین سگے والدین کے ساتھ بھی ہوتے ہیں. تو جس طرح ہم دوسرے رشتوں کے ساتھ ٹالریٹ کرتے ہیں, اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ میاں بیوی کے رشتے میں ٹالرنس ہونی چاہیے. اگر آپ اگلے کی بات کو بتنگڑ بنانا چاہیں گے تو وہ بھی بن جائے گا, اور اگر آپ کسی بات کو بات رکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی رہ سکتی ہے. اچھا یہ جو 100 سکھ حاصل کرنے کے لیے ایک چپ والا فارمولا ہے, یہ دو طرفہ ہونا چاہیے, ہمارے بھائی کی طرح یک طرفہ نہیں ہونا چاہیے. لو جی آئی سو کو گالی بنا کے سنائے گا یار, میری سچی تو ہوتی نہیں ہے کیونکہ میں آپ کو پہلے بھی شیر بن کے بھی دکھا چکا ہوں. یہ شیر پتہ کب بنتا ہے, کیسے بنتے ہو؟ نہیں ہلو نا, جب کمر پہ زور سے پڑتی ہے پھر یہ آگے سے ایسا شیر بنتا ہے. یہ موبائل پر آنے والی ہدایات کی روشنی میں جب گھروں کے فیصلے ہوتے ہیں تو صورتحال بڑی عجیب ہو جاتی ہے بعض دفعہ. گوگا جی بالکل اسی طرح, ایک بیوی ناراض ہو کے اپنے گھر چلی گئی, تو لڑکا روزانہ فون کرتا تھا, تو لڑکی کی ماں ہی نے اس کی ساس فون اٹھا کے کہتی تھی مر گئی وہ تمہارے لیے, پھر اگلے دن پھر فون کر دیتا تھا.
कि जरा मेरी बात करा दे. मैंने कहा ना मर गई वो तुम्हारे लिए. फिर तीसरे दिन मर गई वो तुम्हारे लिए. कहते जब मैंने तुम्हें कह दिया है कि मर गई वो तुम्हारे लिए तो रोजाना क्यों फोन करते हो. कहते बस सुनने में जरा मजा आता है. मर गई तुम्हारे लिए. एक टीवी से शर्म है यार. हमारे साथ रहिएगा. पूरा तारफ होना चाहिए. परवेज लाई साहब के भाई, मुंसलाई के ताया जी, और चौधरी शाफे और चौधरी सालक के अब्बा जी. इंटरव्यू देना बेफार्म नहीं बनवा. नाज़रीन आज एक मरतबा फिर हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान की सियासत में वज़ादारी की अलामत मोहतरम जनाब चौधरी शुजात हुसैन साहब. अस्सलाम वालेकुम सर. वाले सर आपने मुझे वज़ादारी भी लगाया हुआ है. तारफ जरा भरपूर कराया करें. आपको कहना चाहिए कि आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म और साबिक वज़ीर दाखला और पाकिस्तान की एक बड़ी सियासी पार्टी के सरबरा जनाब मोहतरम चौधरी शुजात साहब. ये तो सबको पता ही है ना. ले बहरहाल मैं दोबारा करवा देता हूँ. नाज़रीन आज हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात के सरबरा मोहतरम जनाब चौधरी शुजात हुसैन. गलत गलत है. इसमें क्या गलत? सबसे बड़ी पार्टी तो मैं गया ही नहीं है. लोगों को पता लग जाएगा. बड़ी पार्टी के सरबरा कह के निकल जा रहा हूँ ना. हाँ नहीं पूरा तारफ होना चाहिए. परवेज लाई साहब के भाई, मुंसलाई के ताया जी, और चौधरी शाफे और चौधरी सालक के अब्बा जी. इंटरव्यू देना बेफार्म नहीं बनवाना. अच्छा चले छोड़े जो साहब. मैं तो ये सोच रहा था कि आज नए साल में पहली बार आप हमारे शो में तशरीफ लाए हैं, इसलिए नए साल की खुशियां बहुत बहुत मुबारक हो आपको. मैंने तो दिसंबर की रात को फोन किया था. आपका फोन मुसलसल भेजी जा रहा था. मेरा ख्याल है तुम सियालकोट मुबारक देने. आखिर में मैंने दोबारा किया तो आपका फोन आ था. जितनी देर तक बैटरी ना मुके तो सियालकोट का फोन नहीं बंद कर दे. अच्छा चले छोड़े चौधरी. अच्छा ये फरमाए कि चौधरी परवेज लाई साहब की गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर और वजीर आला पंजाब बुजदार साहब की एक मीटिंग हुई है, बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई है, उसके बारे में जरा हमें कुछ बताएं. बात यह है जुनैद साहब के जो हमारे मुखालफीन हैं उन्होंने 2019 में भी ये भरपूर कोशिश की है साबित करने की कि हमारे दरमियान दराड़े हैं और ये नाकाम रहे और इंशाल्लाह ये 2020 में भी नाकाम हो गए. अच्छा हमने सिर्फ ये साबित करने की कोशिश की है कि हम सब एक हैं और अल्लाह के फजल से इकट्ठे हैं. वैसे भी जिस तरह का मौसम जा रहा है जुनैद साहब अजकल तो मुखालफत हो भी सारे इकट्ठे हुए होंगे. अगदा मंच ला के सारे आले दुआले बैठे होंगे. मेरा मतलब है कि हम तो वैसे ही इकट्ठे हैं अल्लाह के फजल से. 2020 में भी इमरान खान के साथ रहेंगे जी इंशाल्लाह. साथ हैं और हमेशा साथ रहेंगे. देखे मैं कई दफा आपके प्रोग्राम में भी और दूसरे प्रोग्राम में भी ये बात कह चुका कि हम जब जिसके साथ खड़े होते हैं और फिर उसके साथ अल्लाह के फजल खड़े रहते हैं. हम पीठ दिखा के दौड़ने वाले लोग नहीं है. हम अल्लाह के फजल से सीना तान के दोस्त के साथ खड़े होते हैं. इमरान खान साहब हमारे दोस्त हैं. हम इंशाल्लाह उनके साथ 2020 में क्या 2030 में भी खड़े हूँ. 2040 में भी इंशाल्लाह इनके साथ ही हूँ. चौधरी साहब अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए. आमीन आमीन. चौधरी साहब हमें बड़ी जरूरत है आपकी. पाकिस्तान में जरूरत है तानू का जरूरत है. थोड़ी को मल ही लड़ाई हो भाई. जैसा वो कह रहे हैं कि हमें आपकी बड़ी जरूरत है. तुसी मेरे को लोगों को पंचायत ही फैसला कराना है. जैसा हमारे शो को आपकी जरूरत है. आप हमारे शो की रौनक है. आप बहुत शख्सियत है. आप बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया. मेहनत तुसी सारे सियासतदाना जो चंगे लगते हो चोई साहब. बड़ी मेहरबानी आपकी बहुत शुक्रिया. जुनैद साहब बात यह है कि ये मुल्क है तो हमें असल बात तो इस मुल्क के लिए इस प्यारे वतन के लिए हम सब इकट्ठे हैं. तो ये जो मीटिंग
اس کا مقصد صرف یہی ہے بتانا مقصود ہے کہ ہم سب ایک ہیں تو اس لیے میرا خیال ہے کہ جو خام خیالی میں رہنے والے لوگ ہیں ان کو اب باہر آ جانا چاہیے اور انہیں یہ یقین ہو جانا چاہیے کہ ہم چلو میں نے آپ کی وفاداری کا اس لیے ذکر کیا تھا شروع میں کہ اس وقت ملکی سیاست کو اسی وصف کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وفاداری کی برداشت کی جی جی جنید صاحب وقت کی نزاکت کو دیکھنا چاہیے اس وقت جو پوری دنیا کی سیاست کی صورتحال ہے اس میں سارے پاکستان کو اکٹھے ہو جانا چاہیے اور مفاہمت سے کام لینا چاہیے اور ہم تو یہ بارہا دفعہ اعلان کر چکے ہیں کہ کاف لیگ جو ہے جتنی بھی ہماری پارٹی ہے وہ اللہ کے فضل سے ساری پاکستان کے ساتھ ہے چوری صاحب جن کی تاری پارٹی ہے یہ تو ویسے ایک فائدہ ہے گیا تاری جلسے جو بھگدڑ نہیں مچ سکتی دیکھیں یہ بھگدڑ بھی نیت کی بات ہوتی ہے یہ نیت خراب ہو تو بھگدڑ مچتی ہے اور ویسے بھی ڈسپلنڈ پارٹی ہے نظم و ضبط ہے کیسے بھگدڑ مچ سکتی ہے یہ جنید صاحب گل تو تھی بھی سمجھ ہی گئے ہو پولا میں بھی نہیں ہٹا بہرحال پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہم جتنے جو بھی ہیں ہم پاکستان کے لیے حاضر ہیں اور جنید صاحب لوگ بھی اللہ کے فضل سے ہمیں یاد کرتے ہیں جی آپ کو آپ نے اپنے پروگرام میں بھی ذکر کیا تھا کہ یہ گاؤں کے علاقے جو ہیں رورل ایریے ان میں جتنی سڑکیں ہماری حکومت میں بنی ہیں کبھی بھی نہیں بنی جی بالکل سر اور اللہ کے فضل سے صحت کی بڑی خدمت کی ہے ایجوکیشن کی بڑی خدمت کی ہے جی مگر چوری صاحب موٹر وے سارے میاں صاحب نے بنائے نے دیر کے بندے نا انگلش اسکول چ مداری کرتے ہیں کہڑی موٹر وے لے کے آ گئے تھے کی فائدہ تو موٹر وے کا جب دھند پوے تو بند بھی تو ہو جاتی ہے دنیا میں لے رہے ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہیے گا یہ وہ والا کتا نہیں ہے کہ آپ گلی میں اس کو کہتے پھرے خوش تو سائیکل والے پیچھے بچ جائے بعد چ تھی روتے رہو کہ میں آپ ہی ہوش کہہ کے اپنا 19 کروڑ دوڑا دیتا اچھا جی اکثر ہمارے گھروں میں یہ مار کٹائی اور لڑائی نظر آ رہی ہوتی ہے کہ دسو ایڈا مہنگا کتا لے آیا ہے منڈا ایسا ہے یہ میں لتر بہت مارنے آج میں نے تم کو 1500 روپیے کا کتا لے آیا یہ ہمارے جیسے ایی ٹائپ گھروں میں یہ ہو رہا ہوتا ہے اور یہ رہا کچھ تگڑے گھر میں یہ سیاپا پڑا ہوتا ہے کہ وہ فخر سے بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ میرا 80,000 کا کتا ہے تو اب سننے والے جو ہیں وہ ہلکا سا چکر کھا کے تو پھر کہتے ہیں ہاں جی 80,000 سن کے یا 1,00,000 روپیہ سن کے 72 گئے ہوتے ہیں جبکہ آپ سن کے آج حیران ہوں گے کہ دنیا میں اتنا اتنا مہنگا جانور بکا ہوا ہے اتنا اتنا مہنگا جانور بکا ہوا ہے اچھا کہ اگر وہ بھائی وہ جانور نہ خریدتا تو وہ ڈیفنس میں 2 کنال کی بہت اچھی کوٹھی بنا سکتا اس میں سب سے پہلے آپ سن کے مزہ لیں گے کہ بیلجیم سے تعلق رکھنے والا ارمانڈو کبوتر جو 17,00,000 پاؤنڈ یعنی کہ 34 کروڑ روپے میں فروخت ہوا جی جناب سوچ ذرا گوگے 34 کروڑ کے کتنے پکوڑے آئے یہ جو کبوتر تھا اس کی خاصیت یہ تھی کہ یہ طویل فاصلے تک پرواز کرنے والا یہ بہترین کبوتر قرار پایا اور کبوتر ریس میں یہ اول آیا تھا یہ کبوتر ریس جو ہوتی ہے اس میں بڑا بڑا جوا بھی یہ لوگ کھیلتے ہیں بڑی بڑی شرطیں لگا کے یہ کبوتر اڑاتے ہیں مگر یہ دنیا کا بہترین پرواز کرنے والا سب سے زیادہ دیر تک اڑنے والا کبوتر تھا ارمانڈو جو 34 کروڑ روپے کا بکا اور اس کبوتر کو اس کی ریس کی وجہ سے برطانوی فارمولا کار ریسر کے فاتح کے نام پر کبوتروں کا
लेवस हैमिल्टन भी कहा जाता है। ऐसा एक इंतहाई बेश कीमत कबूतर किसी खातून ने अपने सरदार बॉयफ्रेंड को गिफ्ट किया उनकी बर्थडे पे। अच्छा। और दो दिन बाद मुलाकात हुई तो पूछा, सरदार जी मेरा गिफ्ट कैसा लगा? सरदार जी ने कहा अभी खाया है, बहुत मजेदार था। लजी जापान के एक ताजर ने इसी तरह 278 किलो वजनी टूना फिश टोक्यो में एक मुनकद हुई नलामी। अच्छा। उधर से उसने खरीदी थी 2.5 लाख पाउंड यानी पाकिस्तानी 5 करोड़ रुपए। इस नस्ल की ब्लू ट्यूना फिश जो होती है ना जी, अब तो वो बिल्कुल नापैद होती जा रही है, वो बड़ी लजीज होती है। एक सुशी है ना जापानियों की पसंदीदा तरीन डिश, ये जो टूना फिश है ये उसमें बड़ी इस्तेमाल होती है। अच्छा। अब देखो ना जरा, एक कोई फिश उसने 5 करोड़ रुपये की खरीद लिया। हाँ। इधर मेरा ख्याल है असलम मच्छी वाला जो है ये पूरे महीने में 5 करोड़ की फिश लौरियों को आगे बेचता है। इसी तरह एक तिब्बतन मास्टेफ कुत्ता होता है, तिब्बतन मास्टेफ जी। अच्छा। नस्ल है ये। अच्छा। वो 9,45,000 पाउंड यानी सिर्फ पाकिस्तानी 19 करोड़ रुपए का बिका। ये कुत्ता चीन के एक दौलतमंद तबके के लिए स्टेट सिंबल की हैसियत रखता है। और ये जो तिब्बत के कदीम कबाइल है ना जी, हाँ जी, उधर शिकार के लिए इस्तेमाल होने वाले कुत्तों की एक नस्ल है ये। सही। ये वो वाला कुत्ता नहीं है कि आप गली में उसको कहते फिरे हुश तो उसे अगला ले पीछे बाज जावे। बाज तो ही रोते रहो कि मैं आप ही होश क्या कि अपना 19 करोड़ दौड़ा था। इतना महंगा कुत्ता तो मैं सोचता हूँ वो तो पहुंचता भी नहीं होगा, अंग्रेजी अंग्रूजी बोलता होगा या फिर पौकड़े की बजाय को गली से गुजरता होगा तो उसको कहता था निकल जा फटाफट निकल जा। इसी तरह एक डेवरो नवेल परफेक्शन नामी एक भेड़, डेवरो नवेल परफेक्शन नाम है भेड़ का। वो अपना स्कॉटलैंड से उसका तल्लुक था उस भेड़ का, और वो सिर्फ 2,31,000 पाउंड यानी 4,62,00,000 पाकिस्तानी रुपए में फरोख्त हुई। भेड़ भेड़ हम आराम से लड़ाई में कह देते हैं कि यार जा तू ही अभी भेड़ हो गए। भेड़ भी कोई आसान चीज नहीं है, बड़ी कीमती चीज है। बड़ी बात है। इसकी इस कदर कीमत की वजह यह बताई जाती है कि इसके पट्टे बड़े मजबूत थे। अच्छा। मगर फिर भी मैं सोचता हूँ जिस उल्लू के पट्टे ने खरीदी सिर्फ पट्टे मजबूत देख के उन्हें कड़ाए देते सवारी करनी करनी। हाँ जी, हाँ जी। करना तो खीर पेट को हलाल ही होता है ना। या उसने कौन सा सौदा ला के देना होता है? बिल्कुल, मेरा मतलब है भावे 4,62,00,000 दी हो, रखो दी सब्जी बना के गोगे अगे। अब अगर मटन इतना महंगा बिका है तो फिर बीफ क्यों पीछे रहे? लाहौर ऑन्टेरियो कनाडा में जी जी एक गाय मिस मिसी उसका नाम मिसी। अच्छा। मिसी का हमारे यहाँ तो मिसी रोटी होती है, कनाडा में मिसी काओ है। अच्छा। हाँ जी, वो कितने में बिकी है? कितने में? $12,00,000 में नलाम हुई है। यानी पाकिस्तानी को 18 करोड़ रुपये। एडी महंगी गां लेके भावे तीसरे दिन चिचड़ पै जाना फिर। नहीं चिचड़ तो पैंदे ही नहीं, चिचड़ जे लाओ तो नाल डॉलर नहीं ला लेंगे। उसको जो चिचड़ पड़ेगा ना वो भी $10,000 का होगा। यार हमें मजाक ना करो, जानवर जानवर ही होता है। मगर उसकी ब्यूटी या उसके क्वालिटी के हवाले से यार नॉन सीरियस लोग, यार नॉन सीरियस लोग। इतनी इतनी अहम आपको मालूमात फराहम कर रहा है जी, और आप आगर से डंगर बनने की कोशिश कर रहे हैं। यार डंगर की क्या अंग्रेजी होती है? गोगा। ओ, ऐसे तो सुने नहीं सकते, तेन फिर लिख के दे देंगे। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल, और आज की छोटी सी बात ये कि जिंदगी तो बहुत हल्की फुल्की होती है, सारा बोझ तो ख्वाहिशात का होता है। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।